व्हाट इज़ लव। अक्सर हम प्यार का मतलब ही नहीं समझ पाते, किसी को पता ही नहीं है वो किसी से प्यार करता है या सिर्फ पसंद। अगर हम किसी को देखते हैं तो और बोलते हैं बस ये पर्सन मिल जाए यार, या किसी के साथ दो पल गुजारना प्यार नहीं होता। प्यार राह चलते किसी से नहीं हो जाता यार। किसी इंसान को ज़बरदस्ती पाना या उसके लिए कुछ भी कर जाना प्यार नहीं होता। हम बोलते हैं मेरा स्कूल लाइफ का प्यार है, ये मेरा कॉलेज लाइफ का प्यार है, असल में वो प्यार होता ही नहीं है यार। प्यार जब होता है तो हमें पता ही नहीं चलता। किसी इंसान के पास रहकर अपने आप को सेफ महसूस करना, अपने आप को पूरा महसूस करना, जैसे उसको पाने के बाद कुछ और पाने की चाह ही ना रही हो, फिर वो इंसान कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करना, कैसा भी है हर हालत में उसके साथ रहना, खुद की खुशी के लिए नहीं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाना प्यार है। और प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। और जब प्यार होता है सब अच्छा लगने लग जाता है। हर वक्त हम उस इंसान के लिए खुश होते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं। आप हर हालत में उस इंसान को सपोर्ट करते हैं और उसकी खुशी में आप उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। लोगों को बस टेम्परेरी फीलिंग होती है, जैसे ही फीलिंग बदली प्यार ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम आज प्यार वर्ड से भी नफरत करते हैं, डर लगता है हमें। सिर्फ 10% लोग हैं जो प्यार को समझ सकते हैं, समझ पाए हैं। जिस दिन प्यार होगा ना, पूरी दुनिया के सारे नज़ारे उसके सामने फीके लगेंगे आपको। अट्रैक्शन अटैचमेंट प्यार नहीं होता, प्यार का तो कोई मतलब ही नहीं होता, प्यार तो बेमतलब होता है। तो टेम्परेरी फीलिंग को छोड़कर प्यार को समझने की कोशिश करो यार। इन जिस्मों में कुछ नहीं पड़ा, रूह में तो झांक कर देखो। प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो बेमतलब होता है।